हेलो चिल्ड्रंस, मैं हूं आपका दोस्त सौरभ और आप देख रहे हैं एस आर्ट पेंटिंग एंड ड्राइंग। मेरे बच्चों, आज हम एक कमल फूल का ड्राइंग बनाने सीखेंगे, एक लोटस का, वो भी पानी के बूंद के सहारे। तो आप भी मेरे साथ रेडी हो जाइए और अपने ड्राइंग शीट में एक पानी का बूंद बना लीजिए। जैसा मैं बना रहा हूँ, देखिए आप भी वैसा एक पानी का बूंद बनाइएगा। बस ऐसे ही बनाइए, ध्यान से बनाइएगा। अब फिर एक हल्का सा ऊपर की लकीर खींचेंगे, फिर नीचे राउंडिंग करते हुए इसे मिला देंगे। सेम प्रोसेस दूसरी तरफ करेंगे। आराम से करिएगा, धीरे धीरे करिए। जैसा मैं कर रहा हूँ ऐसा आप भी करिएगा। अब सेम प्रोसेस दूसरी तरफ करेंगे, उसको थोड़ा बैंड करेंगे, है ना। फिर उसको वी शेप देते हुए मिला लेंगे। सेम प्रोसेस दूसरी साइड करेंगे। तो ध्यान से कीजिए, जैसा मैं आराम से कर रहा हूँ वैसा आप कर लीजिए। हाँ, ध्यान से करिएगा, वीडियो स्किप नहीं करेंगे, है ना। तो अगर वीडियो स्किप करेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि ये कैसा बन रहा है। अब नीचे की पंखुड़ियाँ बनाने के लिए देखिए मैं हल्का हार्ट शेप दे रहा हूँ। मेरे बच्चे, आपको हार्ट तो बनाना आता ही होगा, तो हार्ट शेप में आप नीचे का पंखुड़ी दे दीजिएगा। नीचे उसके साइड का पंखुड़ी बनाने के लिए मैं लीफ शेप दे रहा हूँ, तो आप भी लीफ शेप दे दीजिएगा। देखिए पत्ती के जैसा दिया हो ना, तो आप भी लीफ शेप दे दीजिए। सेम वैसे कीजिए जैसा मैं करूँ। मेरे बच्चों, अगर आपको लोटस का स्पेलिंग आता होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा, ठीक है। देखिए ध्यान से करिए। देखिए अभी से अपना कमल फूल बन के रेडी हो गया ना, अभी से कितना प्यारा लग रहा है। अब इसमें क्या बचा, कुछ तो बचा होगा। हाँ, उसकी पत्तियाँ, बड़ी वाली जो पानी में रहता है ना, तो बड़ा सा पत्ती रहता है, तो एक पत्ती बना लेते हैं उसका बड़ा सा। देखिए पहले एक सी लेटर्स लिखिए, हाफ सी, फिर दूसरे साइड सी कर लिखिए, फिर मिला दिए। एक सीधा सी लिखेंगे, एक उल्टा सी लिखेंगे, तो आराम से पत्ती बन जाएगा उसका, ठीक है। फिर पानी बना देते हैं, पानी ड्रॉ कर देते हैं। तो मेरे साथ आप भी पानी ड्रॉ कर लीजिए। फिर एक और छोटा पत्ती बनाएंगे, सेम पत्ती बनाएंगे, हार्ट शेप जैसे दीजिए, लेकिन उसको गोल कर दीजिए, नुकीला नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये बन के रेडी हो गया है। अब क्या करेंगे बच्चों, बोलो बोलो क्या करेंगे। हाँ, अब अपने फूल को कलर करेंगे। तो आप भी अपने कलर पेंसिल लेके रेडी हो जाइए और मेरे साथ कलर करना शुरू करें। चलिए अब कमल फूल को कलर करते हैं। चाहे तो आप पिंक कलर दे सकते हैं, मैं इसको कुछ अपना कलर दे रहा हूँ, है ना। तो मैं क्या कलर यूज़ कर रहा हूँ, देखो कौन सा कलर है ये। हाँ, ऑरेंज कलर। मैं इसको पूरा ऑरेंज कलर नहीं दे रहा हूँ, कॉर्नर कॉर्नर में ऑरेंज कलर दे रहा हूँ। तो इसमें मैं रेड कलर यूज़ करूँगा। मेरे साथ आप भी कीजिएगा। और मेरे बच्चों, कलर करने में बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करेंगे, जल्दबाजी करने से अपना ड्राइंग खराब होता है। तो आराम से कीजिएगा, धीरे धीरे कीजिएगा, ठीक है। इसको हम कलर कर लेते हैं, रेड कलर अच्छे से कलर कर लीजिएगा। तो डार्क करिएगा ताकि अपना लोटस कमल का फूल बहुत ही प्यारा लगे। देखिए अभी से अपना ड्राइंग बहुत ही प्यारा लग रहा है ना। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा तो एक लाइक ज़रूर करें और इसको शेयर करने तो बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसा करने से आपके दोस्त लोग भी ये ड्राइंग सीख पाएंगे, ठीक है। तो इसको शेयर तो बिल्कुल करें ताकि वो लोग भी बना पाए। लीफ को हम कलर करेंगे, ग्रीन कलर से इसको कलर कर देते हैं। आराम से कलर करिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है, धीरे धीरे कलर करेंगे। पहले उसमें हम
लाइट ग्रीन कलर यूज करेंगे, उसके बाद डार्क ग्रीन कलर करके उसको शैडो दे देंगे लीफ का, ठीक है। उसके बाद उसके पानी को कलर कर लेते हैं, नीला कलर कर लेंगे। प्यारे बच्चों, लगभग हमारा ड्राइंग कंप्लीट होने को आ गया है ना। तो अगर हमारा ड्राइंग आपको पसंद आया होगा तो एक लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिएगा। कमेंट करके बताइएगा हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।